ये जो बड़ा गेम खेल रहे हैं ये सिर्फ मेटावर्स के लिए नहीं है, ये 90% पॉपुलेशन को क्लाउड कंप्यूटिंग पे पहुंचाने का भी एक मेजर एजेंडा है। वो कैसे? क्योंकि वैसे भी सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो ये लोग को डिजिटल पुश करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ तो डिजिटल वैसे ही है, और चाय वाला डिजिटल डिजिटल बोल के ही तो प्रधानमंत्री हुआ है। और मतलब कैसा, ये लोग को अगर मेटावर्स में कुछ हाइप लाना है, दे कैन सिंपली क्रिएट फेक न्यूज़ कि एक NFT $5 लाख में बिका, 500 करोड़ में बेचा, ऐसा फेक न्यूज़ क्रिएट करके दे कैन क्रिएट हाइप और सारे नए लड़की लोग ज्वाइन होंगे मेटावर्स में, बिकॉज व्हेन पीपल स्मेल मनी आ जाएंगे, पता सब लोग पैसा ढूंढ ही रहे कैसे कमाने का, तो भनक लगी सब लोग गर्दी कर देंगे, कोडिंग भी कर देंगे मेटावर्स, क्योंकि पैसे के लिए काफ़ी रेडी रहते हैं लोग, कुछ पैसा कमाने का मौका मिले तो झपट जाते। इवन इफ इट इज़ डिफ़िकल्ट, अगर किसी को मेटावर्स कोड करने नहीं आता है तो वो सीख लेगा मेटावर्स कोडिंग, क्योंकि उसको समझ जाएगा कि इससे पैसा कमाया जा सकता है। तो ये इवेंट बेसिकली कुछ रिचुअल जैसा है, और क्लाउड कंप्यूटिंग में भी पहुंचाने का इरादा है, क्योंकि अभी बंदर वाला फॉक्स आ गया, नया लाते रहेंगे ऐसा ही डर फैलाने के लिए। तो अभी ये फाइनेंशियल मार्केट्स, मतलब मैंने कुछ YouTube वीडियोस देखे, तो वो लोग का कहना है कि जो ये करेंसी का पेग रहेगा, दैट विल बी बैक्ड बाय डिजिटल एसेट्स, NFT, बिटकॉइन, और वैसा करेंसी को वैल्यू रहेगा, विच इज़ ऑल्सो गुड। एक्चुअली ये अल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन है, उसका कंसेप्ट काफ़ी अच्छा है, बट उसका अब्यूज़ होता है। अभी टाइटन में अपन डूब गए, मतलब मेरे लगभग $15,000 डूब गया, और मुझे ज़रा भी शक नहीं था कि टाइटन डूब सकता है, क्योंकि टाइटन में USDC का 60% पेक था और बाकी टाइटन का, तो USDC का वैल्यू स्टेबल है, उसका पेक रहने के बावजूद टाइटन डूब गया। तो ये लोग ने कुछ 95 सेंट पे गया उनके स्टेबल कॉइन का वैल्यू, तो ट्रेडिंग अपने आप रुक जाना चाहिए। ऐसा होता है तो ऐसा मतलब क्रैश नहीं होगा। अल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन में यही एक लोचा है कि ये लोग ट्रेडिंग रुकाने का कुछ कोड डालना चाहिए था फंक्शन, क्योंकि ये सैबोटेज, मतलब मार्केट में आर्बिट्राजर्स काफ़ी है और वो लोग मौका ढूंढते रहते हैं पैसा कमाने का, भले प्रोटोकॉल बर्बाद हो जाए, पूरा डूब जाए प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल डूब गया, पूरा बर्बाद हो गया, फिर भी ये लोग पैसा कमाने का मौका नहीं छोड़ेंगे। अभी लूना प्रोटोकॉल ऐसा लग रहा है वापस सर्वाइव करेगा, क्योंकि $2 बिलियन के ऊपर का ट्रेडिंग वॉल्यूम है और प्राइस भी बढ़ रहा है उसका। तो टेरा लूना एक अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन ये लोग ने ऐसे चेक्स रखने चाहिए था कि कोई साबोटाज कर सकता है, पूरा बर्बाद कर दिया टेरा लूना को, $50 बिलियन का मार्केट कैप लूना का गया, और USD का भी कुछ मार्केट कैप रहेगा वो भी गया, और बहुत सारे लोगों का पैसा डूब गया। लेकिन नहीं, और ये प्रॉब्लम क्या है, ये SEC को इनवाइट करता है, रेगुलेटर्स को इनवाइट करता है कि लोगों का पैसा डूब रहा है,
इसलिए हमको उतरना पड़ेगा और उसके वजह से रेगुलेशन आते हैं। अल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन में ये लोग ने ट्रेडिंग रुकाने की फैसिलिटी फंक्शन डालना चाहिए, ये एक फिक्स डाल दिया। फिर ट्रूली डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी स्टेबल कॉइन वर्ल्ड करेंसी क्रिएट होगा। शायद ये आइडिया इनके दिमाग में भी रहेगा, नहीं रहेगा तो तुमने वीडियो देखा कमेंट करो, या मैं भी कमेंट कर दूंगा उनके गिटहब पे। तो अभी जो चल रहा है गवर्नमेंट रेगुलेशन ये हो, मेरे हिसाब से ये 2-3 साल तो नहीं रहेगा, क्योंकि अभी तक क्रिप्टो मार्केट डेवलप नहीं हुआ है, उनका डीफाई प्रोटोकॉल सॉलिड वे से डेवलप नहीं हुआ है। जब सॉलिड वे से डेवलप होगा तभी ये लोग छीनने के लिए आ जाएंगे गवर्नमेंट, जो भी प्रोटोकॉल का क्रिएटर्स है डेवलपर्स है उनके इधर बंदूक रख के प्रोटोकॉल छीन लिया जाएगा और वैसा करके रेगुलेशन लगेंगे। बट एटलीस्ट 2 साल तो रेगुलेशन नहीं लगेंगे, न्यूज़ आते रहेगा बट कुछ होगा नहीं, बिकॉज दे वॉन्ट टू यू टू क्रिएट दैट सिस्टम, फिर वो लोग छीन लेंगे। मेटावर्स का भी वैसा ही है, दे वॉन्ट यू टू कोड द मेटावर्स, बाद में वो लोग छीन लेंगे। यू ओन नथिंग एंड स्टिल बी वेरी हैप्पी, तेरे को डिजिटल एसेट देंगे और कंटेनर में रहने लगाएंगे और वो सूट आएगा, जो चाहिए गर्लफ्रेंड चूज करो, सेक्स करो ऑनलाइन, और वही रहेगा तुम्हारा फ्यूचर। बट एटलीस्ट 2-3 साल तो रेगुलेशन का आई डोंट सी एनी थ्रेट, क्योंकि पूरा सिस्टम अभी बना नहीं। अगर ये लोग रेगुलेशन लगा देंगे तो प्रोग्रेस रुक जाएगा, ये लोग पक्के शाने हैं। पहले तुमको बनाने देंगे, बनाने के बाद वो सब कुछ छीन लेंगे।